Hello viewers, welcome to our channel Senabhyas. Please subscribe to our channel and press the bell icon for more such online concise classes. Hello viewers, here are the answers for Dutch and Danes video. And if you haven't seen the video yet, please click on the link above. जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राजीव यादव और आप मुझे सुन रहे हैं सेनाभ्यास एजुकेशनल सेंटर के YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक लेक्चर सीरीज शुरू किया है, उस लेक्चर सीरीज में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लेके चले हम, जिसमें कि पहला लेक्चर हम अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज इन इंडिया अभी फिलहाल पढ़ रहे हैं। इस लेक्चर में हम अराइवल ऑफ पोर्तुगीज और अराइवल ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टडी कर चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट है फ्रेंच, डेनिश और डच, ये दोनों भी हमारे पुराने लेक्चर में कवर हो चुके हैं, तो पुरानी वीडियोस आप देख सकते हैं। उसके बाद आज की वीडियोस में अभी फिलहाल हम पढ़ने जा रहे हैं अराइवल ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। दोस्तों, इस सीरीज में जिसमें कि पोर्तुगीज से शुरू होता है, उसके बाद ब्रिटिश आते हैं, फिर डच आते हैं, फिर डेनिश आते हैं, उसके बाद फ्रेंच आते हैं, यानी फ्रेंच सबसे एंड में यूरोप से आने वाले कंपनी है। ये कंपनी 1664 में इसका गठन होता है, जो कि गठन इसका होता है फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री कोलबर्ट के द्वारा, जो कि लुई 14 के वित्त मंत्री हैं। थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में जाऊंगा, मैं कंपेयर करूं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी प्योरली प्राइवेट कंपनी है, जबकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी है। कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जॉइंट स्टॉक कंपनी है, पहली जॉइंट स्टॉक कंपनी है। अभी फिलहाल बात करें फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की, चूंकि ये गवर्नमेंट कंपनी है तो इसकी डिसीजन मेकिंग पावर उतनी ज्यादा ब्रॉड या उतनी ज्यादा इमीडिएट या त्वरित नहीं है जितनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की है। सिंपल भाषा में बोलें तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत जल्दी अपनी डिसीजंस अपने आप ले सकती है, फंडिंग को लेके, वॉर के डिक्लेरेशन को लेके कि युद्ध की घोषणा करनी है, फंडिंग करनी है, एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है, इन सारी चीजों पे इमीडिएट डिसीजन इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ले सकती है, जबकि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को इन सारी चीजों के लिए अपनी सरकार के आदेशों का इंतजार करना पड़ेगा यहाँ इंडिया में। ओके, तो ये मेन रीजन था इस कंपनी का थोड़ा सा नेगेटिव में रहने का और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का थोड़ा सा एज इसके ऊपर होने का। आगे बढ़ते हैं, कंपनी का गठन होता है 1664 में वित्त मंत्री कोलबर्ट के द्वारा, जो कि लुई 14 के फाइनेंस मिनिस्टर है। ये एग्जाम में कई बार आया है, दोनों तरीके से आता है, कोलबर्ट का नाम भी आता है, लुई 14 का नाम भी आता है। ओके, 1668 में 1668 में पहली फैक्ट्री लगती है सूरत में। ध्यान रहे, सूरत में पहली फैक्ट्री इंग्लिश या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी थी। थोड़ा और मैं बैकग्राउंड में ले जाऊंगा आपको, तो यूरोप में 7 ईयर वॉर चल रहा है, यूरोप में ऑस्ट्रिया वॉर ऑफ सक्सेशन, तो ये सारी की सारी चीजें फ्रांस और ब्रिटेन को यूरोप में एक दूसरे का आर्च राइवल या एक दूसरे का दुश्मन बनाती हैं। अब ये दोनों देश या इन दोनों देशों की कंपनियां, इन दोनों देशों के लोग दुनिया के किसी भी हिस्से में कहीं पे भी आमने सामने दिखेंगे तो वो वहां झगड़ा करेंगे, चाहे वो लोकल रीजन कोई हो या ना हो। सेम चीज हमें देखने को मिलेगी एंग्लो फ्रेंच वॉर्स में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीन एंग्लो फ्रेंच वॉर्स में। ओके, कम बैक टू द सेम टॉपिक, 1668 में पहली फैक्ट्री सूरत में लगी, 1669 में दूसरी फैक्ट्री लगती है मसूलीपट्टनम में। अब ध्यान रहे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी दूसरी एक फैक्ट्री जो थी वो मसूलीपट्टनम में थी, जो कि पहली टेम्पररी फैक्ट्री थी साउथ इंडिया में। ओके, 1742, ये डेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस डेट में एक ऑफिसर जिसका नाम है लॉर्ड डुप्लेक्स, डुप्लेक्स लिखते हैं, प्रोनाउंस करते हैं डुप्ले, तो लॉर्ड डुप्ले को भारत के पौंडीचेरी का गवर्नर नियुक्त किया गया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है नाम, ये नाम इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि लॉर्ड डुप्ले ने पहली बार वो प्रथा शुरू करी जिसमें महारत हासिल करके और परिपक्वता से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने लागू किया और बहुत ज्यादा सफलता पाई, इंडिया को अपना कॉलोनी या इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाने में। वो क्या था समझते हैं थोड़ा सा, लॉर्ड डुप्ले पहला ऐसा इंसान था जिसने कंपनी के कमर्शियल बेनिफिट से आगे इंपीरियल एक्सपेंशन का सोचा, यानी क्यों ना डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में घुसा जाए, चाहे वो कर्नाटक हो चाहे वो हैदराबाद हो, और उस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में घुस के किसी एक दल को सपोर्ट करके किसी दूसरे दल के अगेंस्ट में उसको भड़काया जाए जिससे कि अपना फायदा हो सके।
to enter into the domestic politics of local chiefs, local governing dynasties for their own benefit. ये किसका सोच था? ये था डुप्ले का. अभी इसी सोच को आगे ब्रिटिश गवर्नर जनरल और वायसराय अडॉप्ट करेंगे और बहुत ही ज्यादा इसमें मैच्योरिटी से उन चीजों को इंप्लीमेंट करेंगे. तो शुरुआत कहां से हो रही है? डुप्ले से, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो डुप्ले बिकम्स पॉन्डिचेरी गवर्नर. ही चेंज द गोल फ्रॉम कमर्शियल टू इंपीरियल एक्सपेंशन. रिमाइंडिंग यू द सेम थिंग अगेन एंड अगेन. एंग्लो फ्रेंच कार्नेटिक वॉर स्टार्टेड. सो क्या रीजन था दोनों के वॉर का? कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स जो थी कार्नेटिक की या साउथ की, जो अलग अलग पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट का जो रीजन था, उस रीजन में ये फ्रेंच गवर्नर और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है, इन्वॉल्व हो रही है और उसको बहुत ज्यादा फायदा भी हो रहा है अपनी टेरिटरी एक्सपेंड करने का. कई सारे गांव इनको मुनाफे में मिल जाते हैं राजा के द्वारा, बहुत सारी चीजें इन्हें मिल जाती है राजा के द्वारा. ओके, तो फ्रॉम 1748 टू 1754 डुप्ले प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो पहला एंग्लो फ्रेंच वॉर हम स्टडी करते हैं, कार्नेटिक वॉर भी बोलते हैं इनको, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर. टाइम पीरियड मैंने मेंशन कर रखा है 1744 टू 48. कारण क्या था? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन. यूरोप, कहीं दूर किसी कॉन्टिनेंट में जो कि यूरोप है उसमें एक देश है ऑस्ट्रिया, वहां पे अगला राजा कौन बने, तो वहां सिविल वॉर चल रहा, वहां वॉर ऑफ सक्सेशन चल रहा है. वो कारण है इंडिया में दो अलग अलग देशों की कंपनियों के स्ट्रगल का, फाइट का. तो रीजन कहीं और का, लेकिन चूंकि वो दोनों देश जो वहां के आर्क राइवल है वो इंडिया में आमने सामने को लड़ाई ना हो रही है इंडिया में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका रीजन. ट्रीटी ऑफ एक्सलेचेपल, अभी एक्सलेचेपल कई बार एग्जाम में आ चुका है. इसमें क्या होता है? इस संधि में मद्रास जो है वो ब्रिटिश को दे दिया जाता है और कनाडा का क्यूबेक फ्रेंच को दे दिया जाता है. ओके, सेकंड कार्नेटिक वॉर 1749 टू 1754. कारण क्या था? फाइट फॉर सुप्रीमेसी बिटवीन होम. दो ही ग्रुप है भाई, कौन कौन से? फ्रेंच और ब्रिटिश, दोनों में सुप्रीमेसी का फाइट चल रहा है. तो 1754 में एक बहुत बड़ी गलती फ्रांस के द्वारा की जाती है. दे कॉल्ड बैक डुप्ले, डुप्ले को वापस बुला लेते हैं और एक दूसरे गवर्नर जिनका नाम गोदेहू है उनको इंडिया में इनकी जगह पे नियुक्त करते हैं. होता क्या है रिजल्ट? ब्रिटिश अंडर रॉबर्ट क्लाइव डिफीटेड फ्रेंच. ध्यान रहे, इन दोनों कार्नेटिक युद्ध में, पहले और दूसरे में, जो कि डुप्ले इंडिया में है तो फ्रेंच को फायदा हो रहा है. जैसे ही डुप्ले इंडिया से जा रहे हैं उसके बाद फ्रेंच को वो सारा मुनाफा होना बंद हो जाता है, उल्टा ये हार जाते हैं. रिजल्ट, ट्रीटी ऑफ पॉन्डिचेरी 1755. ठीक है, तो यहां तक हमने पढ़ा. तीसरा कार्नेटिक वॉर फिनिश करते हैं इसको, 1758 टू 63. अभी तीसरा कार्नेटिक वॉर का भी रीजन 7 ईयर वॉर इन यूरोप है. यूरोप में 7 साल का जो युद्ध चल रहा है, ध्यान रखना यूरोप में जिस डेट से 7 ईयर वॉर शुरू होता है उसके बाद इंडिया में वही चीज कंटिन्यू हो जाती है. देखो 1756 से 1763 तक 7 ईयर वॉर चल रहा है यूरोप में और 1758 से 63 तक इंडिया में चल रहा है. रिजल्ट इसका क्या है? बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश. आप इसको कैसे याद रखेंगे? कि सब कुछ वॉश हो गया, सब कुछ धुल गया, सफाया हो गया, एकदम सुपड़ा साफ हो गया. किसका? फ्रांस का इंडिया से. तो बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें आयरकूट जो है इंग्लैंड के, वो हरा देते हैं लेली को, फ्रेंच जो फ्रेंच है, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को सक्सेसफुली डिफीट करती है थर्ड कार्नेटिक वॉर में. ध्यान रहे दूसरा कार्नेटिक वॉर इनकंक्लूसिव था, लेकिन तीसरा कार्नेटिक वॉर कंक्लूसिव था. इसमें सक्सेसफुल विक्ट्री थी ब्रिटिश की, जो कि किसके अंडर में थे? आयरकूट के अंडर में हराते इसमें लेली को. इसको बोलते हैं बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश. ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके बाद फ्रांस ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी एक तरीके से इंडिया में खत्म हो जाती है. वो सारे अधिकारी जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के हैं, या बहुत छोटे पैमाने पर अगर ये सर्वाइव करती भी है तो इट सर्वाइव्स अंडर द ब्रिटिश प्रोटेक्शन. तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रोटेक्शन में या उनके सुपरविजन में, उनके अंडर में ये ब्रिटिश अफसर और फ्रेंच अफसर और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत छोटे से दायरे में इंडिया में सर्वाइव करती है, वरना वर्चुअली इट इज कोलैप्स, इट इज नो मोर इन द सीन इन इंडिया. सो ये था हमारा फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में. अगली क्लास में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं. तो आई होप यू माइट बी एंजॉयिंग द लेक्चर्स. छोटी छोटी सीरीज में, छोटी छोटी क्लिपिंग्स में हम मॉडर्न हिस्ट्री को और इंटरेस्टिंग और बेहतर तरीके से, रोचक तरीके से आपके सामने
सामने पेश करते हैं। मैं हूँ राजीव यादव, दस्याना व्यास एजुकेशनल सेंटर। थैंक यू वेरी मच।